जय श्री कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी बातें अधूरी रह जाती हैं, फोन में लेंथिंग ज़्यादा नहीं रहती है। सो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कभी भी परिस्थितियाँ बुरी आए तो घबराना नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बीमारी को लेके, बच्चों को लेके, लोगों की बातों को लेके, मजाक को लेके, बॉडी शेविंग को लेके, हर तरीके की बातें हुई हैं। जब लोग आपको तोड़ना चाहते हैं ना, तोड़ना, मरोड़ना, नीचे गिराना, डाउन करना, तो हम होते ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम बहुत डीपली चले जाते हैं। जैसा लोग चाहते हैं हम वैसे चले जाते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, हम गिरते भरे हैं लेकिन गिर के फिर उठते हैं, और उठने के बाद ऐसे उठते हैं कि आप कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होता है कि वो इंसान एक आग में तपते सोने की तरह निखर के निकलता है। ऐसी ही ज़िंदगी है मेरी भी। सबसे बड़ा दुख तो मेरे साथ में मेरे बच्चों को लेके हुआ था, मिसकैरेज। बहुत सी वीमेन के साथ होता है और मैं उनकी ये प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन गाइस, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आपसे यही निवेदन है कि जिसने ये सृष्टि बनाई है ना, जिसने हमारे लिए सोचा है ना, उसने इतना अच्छा सोचा है कि ना किसी और ने सोचा होगा ना ही हमने। मेरे लिए भी कई लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, अरे नहीं पॉसिबल होगा, वेट ज़्यादा है, ये है वो है, बच्चा नहीं होगा। जब बच्चे नहीं थे तो भी प्रॉब्लम थी कि बच्चा क्यों नहीं है, बांझ है। बैड कमेंट्स होते थे, हंसी मजाक बनाया जाता था। और जब बच्चा हो गया तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, अरे उसको बच्चा हो गया, कैसे हो गया भाई? तो ये दुनिया है भाई साहब, इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए मैंने इन 9 सालों में शादी आफ्टर मैरिज, 9 सालों में ये सीखा है कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते। आप दूसरों की बातों में रहोगे, यानी दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?